हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमा नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा की संबंधित एमसीक्यू सीरीज 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस वीडियो को देखने के बाद एनसीटीई का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, और इसके अलावा इसमें टाइमर लगा हुआ है, 10 सेकेंड में आपने आंसर करना है। देखते हैं किस बच्चे ने कितना प्रयास किया है। तो सही क्वेश्चन में 1 मार्क्स ऐड करेंगे, और जो आपका रॉन्ग होगा 0.25 आप माइनस कर लीजिएगा। और वीडियो एंड होने के बाद आप लोग सभी मुझे मार्क्स बताएंगे आपके कितने कितने मार्क्स रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, हाउ मेनी रीजनल सेंटर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये कह रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कुल कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, रीजनल सेंटर्स कितने हैं? 3, 4, 5, 6, जल्दी आंसर दीजिए। टाइमर भी आउट हो चुका है, टाइमर मैंने उसके साथ ही लगाया क्योंकि मेरे बोलने के साथ आपने आंसर दे देना चाहिए। तो करेक्ट करेक्ट आंसर है बच्चों, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आपको मैंने बताए हुए थे इसके टोटल 4 रीजनल सेंटर हैं, ठीक है, 4 रीजनल सेंटर हैं। आपको मैंने ट्रिक भी सिखाई हुई थी, आप बताएंगे कि इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी मैंने रीजनल सेंटर को, वो बताएंगे क्या था। डेस 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 न्यूज, न्यूज करके कोई ट्रिक थी, याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है, विच ईयर सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एज अ स्टेचुअरी बॉडी, एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? इसको किस वर्ष एनसीटीई को एक स्टेचुअरी बॉडी या वैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय माना गया? तो आपको पता है करेक्ट ऑप्शन है 17 अगस्त 1995 को, 17 अगस्त 1995 को इसको स्टेचुअरी बॉडी माना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीटीई, रेगुलेटिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रोमोटिंग रिसर्च इन एजुकेशन, एंश्योरिंग हाई स्टैंडर्ड इन टीचर्स एजुकेशन, या मैनेजिंग स्कूल करिकुलम। एनसीटीई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय प्रवेश को विनियमित करना, शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षक शिक्षा में उच्च मानकों को स्थापित करना, सुनिश्चित करना, और स्कूल पाठ्यक्रम का प्रबंधन करना। जैसा कि बच्चों आपको बात जानते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन का मेनली था कि पूरे देश में टीचर्स एजुकेशन के जो एक स्टैंडर्ड है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और क्या क्या कोर्स बच्चों, मतलब क्या क्या कोर्स टीचर्स बनने के लिए, क्या क्या कोर्स किए जाने, क्या क्या ट्रेनिंग्स होंगी, तो उनके लिए स्टैंडर्ड स्थापित करना इसका मेन काम रहता है। तो सेटिंग स्टैंडर्ड मतलब शिक्षक शिक्षा में उन्होंने क्या करने, मानक स्थापित करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम अंडर एनसीटीई एक्ट, ठीक है। एनसीटीई जो अधिनियम था, ठीक है, 1993, इसके तहत जो शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम है, ठीक है, इसको लागू करने की जिम्मेदारी, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, लोकल स्कूल्स की, या प्राइवेट स्कूल, इम्प्लीमेंट कौन करवाते हैं? तो बच्चों जो एनसीटीई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, स्कूल्स ही नहीं है, मतलब स्कूल्स की नहीं है, या इंस्टीट्यूशन जो टीचिंग एजुकेशन के, जो टीचिंग एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी नहीं है, सबकी है। लेकिन मेनली जो होता है ये सेंट्रल की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार ही इम्प्लीमेंट करता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी किस निकाय की है? ठीक है, यूजीसी की है, एनसीटीई, एआईसीटीई, एमएचआरडी, बताएं। टीचर्स एजुकेशन की जब भी बात होती है, टीचर एजुकेशन
ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, जैसे बीएड कोर्स है, डीएलएड कोर्स है, टीचर्स से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है, तो वहां उनको जो मान्यता है, ठीक है, रिकॉग्निशन है, वो देने की जिम्मेदारी किसकी है? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 6, द एनसीटीई एक्ट वॉज इनेक्टेड टू. एनसीटीई अधिनियम का उद्देश्य है इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन ओनली, इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन ओनली, इम्प्रूव टीचर्स एजुकेशन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड, या एबोलिश टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम. केवल प्राथमिक सुरक्षा शिक्षा में सुरक्षा, केवल माध्यमिक शिक्षा में सुरक्षा, शिक्षक शिक्षा में सुधार व मानकों को बनाए रखना, या शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर देना. तो आपको मैंने पहले भी बताया था एनसीटीई का उद्देश्य है कि टीचर्स एजुकेशन की बात करते हैं, उसको इंस्पेक्शन करेगा, उसका इम्प्रूवमेंट करेगा, कैसे उसमें सुधार लाए जाए. इसके अलावा नए नए नियम जो बनाते हैं टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड, और स्टैंडर्ड जो है मानक निर्धारित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एनसीटीई. जो एनसीटीई के अध्यक्ष होते हैं चेयरपर्सन, उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स, बताएं. मैंने बताया था आपको. तो जनरली जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, टेन्योर होता है कार्यकाल, वो 5 ईयर्स होता है. बट आपको पता है थोड़ा सा चीजें जो है वो ऐसा नहीं है कि हर, कभी कभी ऐसी होती है कि कार्यकाल बढ़ाया भी जाता है, ठीक है, तो वैसे 5 ईयर है टेन्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे, द एनसीटी एक्ट कवर्स द रेगुलेशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम एट विच लेवल. एनसीटी अधिनियम किस स्तर पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित करता है? किस स्तर की बात कर रहा है? जो टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, टीचर्स अलग अलग है, प्राइमरी टीचर्स होता है, माध्यमिक होता है, इसके अलावा उच्च शिक्षा डिग्री कॉलेज के टीचर्स होते हैं, तो किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं? तो ये कह रहा है यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एनसीटीई है वो मेनली कवर्स करता है बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, ठीक है. प्राइमरी के लिए भी एनसीटीई रूल बनाते हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए भी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे, व्हाट डज द एनसीटीई एक्ट इम्फेसाइजेस रिगार्डिंग टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम. एनसीटीई अधिनियम शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में क्या जोर देता है, किस चीज के बारे में जोर देता है? पहले क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, गुणवत्ता पर मात्रा, या फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में लचीलापन, या मिनिमम स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी एश्योरेंस, न्यूनतम मानक और गुणवत्ता आश्वासन, और लास्ट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन एजुकेशन, शिक्षा में राजनीति का प्रभाव. तो जैसा कि बार 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 बोला जा रहा है कि एनसीटीई जो एक्ट था वो लाया ही इसलिए था, ये टीचिंग एजुकेशन, जो टीचर्स एजुकेशन है, टीचर्स की क्वालिटी बनानी है. तो टीचर्स की क्वालिटी आपने बढ़ानी है तो उनके लिए स्टैंडर्ड, एक नियम रखने होंगे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूनतम मानक व गुणवत्ता आश्वासन, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी एश्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनसीटी एज पर एनसीटीई एक्ट. एनसीटीई एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एनसीटीई का कार्य नहीं है? ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेटिंग नॉर्म्स फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कंडक्टिंग स्कूल एग्जामिनेशन, या मॉनिटरिंग टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम. शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, बिल्कुल सही, मान्यता तो देते ही हैं. इसके अलावा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड स्थापित करना, बिल्कुल सही. इसके अलावा स्कूल परीक्षाओं का आयोजन करना, स्कूल में परीक्षाएं, बच्चों की परीक्षाओं से इसका कोई संबंध नहीं होता है बच्चों. एनसीटीई जो है वो टीचर्स की बात करता है, टीचर्स की बात, ठीक है. तो परीक्षाएं आयोजित ये नहीं कराते एनसीटीई, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया कि जो रॉन्ग ऑप्शन है, जो मतलब इसके अकॉर्डिंग सही होगा, एनसीटीई नहीं काम करता है, वो है स्कूल परीक्षाओं का आयोजन. इसके अलावा लास्ट ऑप्शन था शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की निगरानी, वो तो करता ही. नेक्स्ट, वो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू एनसीटीई. एनसीटीई को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? एमएचआरडी, एनसीईआरटी, यूजीसी, या नन ऑफ दीज. ये मैंने आपको बताया भी था, एनसीईआरटी को जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है या जो भी वित्तीय सहायता होती है वो प्रदान की जाती है एमएचआरडी द्वारा, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, पहले इसका नाम था एमएचआरडी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे,
द एनसीटी एक्ट इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट रन टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनसीटी एक्ट के जो भी रूल है बच्चों वो कहाँ लागू होते हैं? सरकारी शिक्षक संस्थानों पर, या फिर निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों पर, सरकारी और निजी दोनों में, या फिर केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभकारी संगठनों संगठनों पर। इसका मतलब है जो एनसीटीई के रोल होते हैं ना, जो टीचर्स के रोल, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, आपको पता है जहां पर भी टीचर्स एजुकेशन चल रहा है, जहां भी बीएड चल रहा है, डीएलएड चल रहा है, टीचर्स से रिलेटेड जो भी कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सभी जगह एनसीटीई के रूल लगेंगे, क्योंकि जो रूल को फॉलो करेगा उसी को मान्यता दी जाती है। और टीचर्स अगर टीचर्स कहीं कोर्सेज कराई जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो, उसे एनसीटीई से मान्यता लेनी पड़ती है, और जो मान्यता ले रहा है तो डेफिनेटली उसको क्या है, एनसीटीई के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और बिना मान्यता के पॉसिबल भी नहीं है ना। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एनसीटी एज पर एनसीटी एक्ट। जो एनसीटी का कंपोजिशन मतलब जो संरचना एनसीटी की है, कौन कौन उसमें मेंबर होते हैं मैंने बताया था, तो उसमें कौन लोग होते हैं? केवल एजुकेशनलिस्ट, ठीक है, केवल शिक्षाविद होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एजुकेशनलिस्ट, सरकारी अधिकारी व शिक्षाविद, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टीचर्स यूनियन, जो टीचर्स जो शिक्षक संघ है उससे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो, या पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर, माता पिता और सामुदायिक सदस्य। तो करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है जो मैंने आप लोगों को बताया था, चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, इसके अलावा सेक्रेटरी होता है, टीचर्स होते हैं एनसीटीई में बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं? तो इसमें बच्चों टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी होते हैं, अलग अलग उससे आते हैं ये। तो इसमें जो मेनली होते हैं, ठीक है, जो मेंबर इसके होते हैं वो, एक तो एजुकेशनलिस्ट होते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो सरकारी अधिकारी और शिक्षाविद इसमें मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर वेस्टेड इन द एनसीटी अंडर द एनसीटी एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति एनसीटी अधिनियम के तहत एनसीटीई में निहित नहीं है? एनसीटीई जो एक्ट आया था उसमें एनसीटीई में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। रिवोकिंग रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटी, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एजुकेशन, कंडक्टिंग रिसर्च इन एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा संस्थानों की मान्यता को रद्द करना, नए विश्वविद्यालय स्थापित करना, शिक्षक शिक्षा के लिए मानक स्थापित करना, या शिक्षा में अनुसंधान करना। जब एनसीटी एक्ट आया था तो उसमें अलग अलग धाराएं दी गई थी, मैंने वो पढ़ाई भी है इससे पहली वाली वीडियोस में, तो आप देख लीजिएगा। तो उसमें इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है टीचर्स एजुकेशन को मान्यता प्रदान करना और उनकी मान्यता रद्द करने का भी अधिकार एनसीटी को है। इसके अलावा स्टैंडर्ड स्थापित करना, ये मैंने बताया था, रिसर्च को प्रमोट करना, ये भी इसका काम है। तो जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है यूनिवर्सिटी स्थापित करना, स्टेब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटी, ये इसका काम नहीं है, एनसीटी का कार्य नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, द एनसीटी एक्ट एनविजन द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन थ्रू। एनसीटीई अधिनियम शिक्षक शिक्षा में निरंतर सुधार की कल्पना करता है। कैसे करता है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से, या फिर एक्रीडिएशन प्रोसेस से, पॉलिटिकल इंटरवेंशन से, या फिर कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव से। तो आपको पता है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मैंने बार बार बोला था कि एनसीटीई में भी क्या रहता है, क्या है, एनुअल रिपोर्ट जाती है, हर टीचर्स जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसका एनुअल रिपोर्ट जाती है, हर साल रिपोर्ट जाती है। इसके अलावा इंस्पेक्शन करने के लिए टीम भी होती है इनकी एक, ठीक है, इनकी एक इंस्पेक्शन टीम भी होती है, तो वो जाती है कॉलेजेस में जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन रहते हैं, और वहां क्या है, जांच करती है। तो एक्रीडिएशन कमेटी उनकी रहती है, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे करती है टीचर्स एजुकेशन में, तो उसमें क्या है, कंट्रोलिंग रहती है एक्रीडिएशन प्रोसेस से, प्रत्यायन प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या रहता है, टीचर्स एजुकेशन में निरंतर ये क्या करते हैं, सुधार, ग्रेडिंग सिस्टम रहता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, वो चेयर्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन इन दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? पहली बैठक बच्चों ये इससे पहले हो गई थी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। जो पहली बैठक कहेंगे तो हमारी पहली बैठक जो
ये एक्ट आया था, ठीक है, 17 अगस्त 1995 को इम्प्लीमेंट हुआ था, इससे पहले ही हो गई थी। एनसीटी पहले भी अस्तित्व में था, बस स्टेचुअरी बॉडी उसको बनाया गया 17 अगस्त 1995 से, ठीक है। उससे पहले भी जब एनसीटी अस्तित्व में था, तो उस समय पहली मीटिंग जो इसकी ली गई थी वो किसके द्वारा ली गई थी, ठीक है, ये मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ था आपको, पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको, तो बताएं, प्रोफेसर नूरुल हसन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रोफेसर योगेश सिंह या डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जब ये अस्तित्व में आया उससे पूर्व ही, जब एनसीटी अस्तित्व में था, तो सही आंसर है प्रोफेसर नूरुल हसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे 3 हो गया, आप 17 हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, एजुकेशन फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए शिक्षा, गुरु तमो धामा, ठीक है, या फिर एक्सीलेंस इन टीचिंग, शिक्षण में उत्कृष्टता। तो मैंने आपको बताया था एनसीटी का जहाँ हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहीं बाहर से लिखा गया है बच्चों, गुरु गुरु तमो धामा, तो इसका गुरु गुरुतमो धामा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटीई इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है एनसीटीई का हेडक्वार्टर, जयपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली या भोपाल। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, एनसीटीई का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19, द एनसीटी एक्ट प्रमोट, जो एनसीटी एक्ट है अधिनियम, ये किस चीज को बढ़ावा देता है, यूनिफॉर्मिटी इन टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम पूरे ऑल इंडिया में एक रूपता होनी चाहिए, या रीजनल वेरिएशन इन टीचर्स ट्रेनिंग, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग रीजन है, उनमें अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन ट्रेनिंग पोजिशन, जो ट्रेनिंग पोजिशन है शिक्षण पद उसमें जाति आधारित आरक्षण, या शिक्षक शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन। तो बच्चों एनसीटी एक्ट जो है वो प्रमोट करता है कि पूरे ऑल इंडिया में जो टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है वो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, अगर बीएड यहाँ जरूरी है तो यूपी में भी जरूरी होगा, दिल्ली में भी जरूरी होगा, अगर डीएलएड यहाँ जरूरी है उत्तराखंड में एलिमेंट्री टीचर्स के लिए तो यूपी में भी होगा, और तो ये एनसीटी इंश्योर करता है कि पूरे ऑल इंडिया में जो भी टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज आ रही है वो क्या होंगे, सबके लिए कॉमन होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में एकता लाना, यूनिफॉर्म टीम टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे, विच सेक्शन ऑफ एनसीटी एक्ट डील्स विद रिकॉग्निशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो एनसीटी अधिनियम का कौन सी धारा है जिसमें शिक्षक शिक्षा जो संस्थान इंस्टीट्यूशन उनको मान्यता के बारे में, ये मान्यता की बात करता है। तो बच्चे उसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 14, ठीक है, धारा 14, आप देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले ये, ठीक है, एनसीटीई की वीडियो में देखिएगा। तो एनसीटीई की धारा 14 के अंतर्गत जो टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड कोर्सेज जहां चलाए जाते हैं उनकी मान्यता सेक्शन धारा के 14 के अकॉर्डिंग रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 21, द नॉर्दर्न रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटीई लोकेटेड इन, एनसीटीई का जो उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो उसका रीजन बने हुए थे मैंने बताए थे हेडक्वार्टर, तो कहाँ लोकेटेड है, तो रीजनल सेंटर जो है इसका कहाँ था, नॉर्दर्न रीजन का जो रीजनल सेंटर है वो लोकेटेड है बच्चों जयपुर में। ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक मुझे बताएंगे कि ट्रिक क्या है इसकी, करेक्ट ऑप्शन इसकी एक ट्रिक थी रीजनल सेंटर बताने की, वो आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22, विच सेक्शन ऑफ एनसीटी एक्ट डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल, ये जो एनसीटी परिषद जो स्थापित किया गया है, ठीक है, तो एनसीटी एक्ट जो है इसका कौन सी धारा जो है वो ये जो काउंसिल है, ठीक है, परिषद की स्थापना की बात करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सेक्शन 3, सेक्शन 3 में इस परिषद की स्थापना की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे, द एनसीटीई एक्ट रिक्वायर्स टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू सबमिट, एनसीटीई अधिनियम के अनुसार जो शिक्षक शिक्षा संस्थान है उनको किस चीज की को आवश्यकता है, क्या करते हैं एनसीटीई अधिनियम के अनुसार जो टीचर्स इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं,
इनको मैंडेटरी क्या है? तो पहला है मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो वित्तीय सपोर्ट होती है, रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत करते हैं एनसीटीई के सामने, या एनुअल एकेडमिक रिपोर्ट जो वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करते हैं, या रिपोर्ट ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो राजनीतिक गतिविधि है उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको पता है एनसीटीई जो है वो क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, हर साल पर ईयर जो है वो एनुअल एकेडमिक रिपोर्ट क्या करते हैं अपनी सबमिट करते हैं, वार्षिक जो शैक्षणिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीटीई एक्ट इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनसीटीई अधिनियम का क्या प्रावधान है, ठीक है, या क्या महत्व है? देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेश, इंक्लूड करना, सारे बच्चों को इंक्लूड करने की बात होती है। तो इट मैंडेट सेपरेट स्कूल फॉर डिफरेंट कम्युनिटी, क्या ये विभिन्न समुदायों के लिए कहता है कि अलग अलग स्कूल खोलो, या फिर इट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। इट इम्पोजेज लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन इन स्कूल, या स्कूलों में ये भाषा को प्रतिबंध लगाता है अलग अलग भाषाओं को, या फिर इट लिमिट्स एजुकेशन फॉर सर्टेन सोशल ग्रुप्स, या फिर ये केवल जो कुछ सामाजिक समूह है उन्हीं के लिए शिक्षा को सीमित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन होता है समावेशी शिक्षा, सभी को समावेशित करना, सारे बच्चे एक से हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इंश्योर लैंग्वेज इस इट इंश्योर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट, ये सुनिश्चित करेगा कि सारे बच्चों के लिए एक से शिक्षा मिल सके, ठीक है। विच इज नॉट अ रीजनल सेंटर ऑफ एनसीटी, इनमें से कौन सा एनसीटी का रीजनल सेंटर नहीं है? रीजनल मतलब जो क्षेत्रीय इसके हेडक्वार्टर्स थे, मैंने बताए हुए थे, आप ऑप्शन में बताएंगे कितने हेडक्वार्टर्स हैं इसके, वैसे क्वेश्चन में भी है रीजनल हेडक्वार्टर्स, तो जितने भी रीजनल हेडक्वार्टर है इनमें से कोई एक नहीं है। कौन सा नहीं है? भोपाल, कर्नाटका, भुवनेश्वर या फिर जयपुर। तो जो इसका रीजनल सेंटर इनमें से नहीं है वो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, कर्नाटका। कर्नाटका इसका रीजनल सेंटर नहीं है, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर क्या है इसके रीजनल सेंटर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया इन 2024। एनसीटीई जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके 2024 में वर्तमान अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन है? प्रोफेसर नूरुल हसन, डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत, प्रोफेसर योगेश सिंह, या मिस केसांग वाई शेरपा। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोफेसर योगेश सिंह। प्रोफेसर योगेश सिंह इस समय एनसीटीई के चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे, द एनसीटीई एक्ट एम्पावर्स द एनसीटीई टू, एनसीटीई अधिनियम जो है वो एनसीटीई को सक्षम बनाते हैं किस चीज के लिए? इंटरवीन द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करने के लिए, ओवरसी टीचर्स ट्रांसफर, टीचर्स ट्रांसफर को देखते हैं, या फिर मॉनिटर टीचर्स रिक्रूटमेंट, शिक्षक भर्ती की निगरानी करने के लिए, या ग्रांट परमिशन टू न्यू टीचर्स एजुकेशन कोर्सेज, या नए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान करने के लिए। तो एनसीटीई अधिनियम जो है वो एनसीटीई को नए नए क्या होता है कि एनसीटीई नए नए कोर्स संचालित कर सकता है, नए नए पाठ्यक्रम ला सकता है टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रांट परमिशन फॉर न्यू टीचर्स एजुकेशन कोर्सेज, नए कोर्सेज हैं, डीएलएड है, स्पेशल बीएड है, स्पेशल डीएलएड है, तो ये नए नए जो कोर्स होते हैं उनके लिए परमिशन प्रोवाइड करता है एनसीटीई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट रोल डज द एनसीटीई प्ले इन प्रमोटिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचर्स एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देने के लिए एनसीटीई की क्या भूमिका है? टू बैन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर यह प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। इट एनकरेज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, या शिक्षण में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। इट इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, या ऑनलाइन शिक्षण पर प्रतिबंध लगाता है, या इट प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स ओनली, या केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों के लिए धन प्रदान करता है। तो आपको पता है इस समय टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है हर चीज में, तो एनसीटीई भी प्रमोट करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा टीचिंग में क्या यूज कर सकें, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, यह शिक्षण में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीटी एज आउटलाइंड इन एनसीटी एक्ट। तो एनसीटी एक्ट की एक्ट के अनुसार एनसीटी का कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? एनसीटी एक्ट में जो लिखा गया है उसमें से इनमें से कोई एक जिम्मेदारी एनसीटी की नहीं है। प्रमोटिंग रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में, ठीक है, अनुसंधान को बढ़ावा देना, या कंडक्टिंग नेशन वाइड टीचर्स स्ट्राइक, राष्ट्रव्यापी शिक्षक हड़ताल में उनका आयोजन करना, या डेवलपिंग टीचर्स एजुकेशन पॉलिसी जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित नीतियां उनका विकास करना, या मॉनिटरिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, टीचर्स के प्रदर्शन की निगरानी करना। तो जैसा कि क्लियर हो रहा है कंडक्टिंग नेशन वाइड टीचर्स स्ट्राइक, ये जो टीचर्स हड़ताल है, शिक्षक हड़ताल है, उसका आयोजन करना इससे संबंध में, ठीक है, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं होता, तो ये जिम्मेदारी इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30, द एनसीटी एक्ट एम्स टू, एनसीटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एलिमिनेट प्राइवेट टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को समाप्त करना, स्टैंडर्डाइज टीचर सैलरी अक्रॉस कंट्री, ठीक है, देश भर में जो शिक्षकों का वेतन है उनको मानकीकृत करना, या एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन टीचर्स एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो शिक्षक शिक्षा मानक है उनको एक रूपता लाना पूरे ऑल इंडिया में, एंश्योर क्रिएट रीजनल वेरिएशन इन टीचर्स ट्रेनिंग, और जो रीजन है अलग अलग रीजन है, क्षेत्रीय विविधताएं, ठीक है, टीचर्स जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्षेत्रीय विविधताएं पैदा करना। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन बताएं, करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है कि इसका काम रहता है एनसीटीई का कि एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन टीचर्स एजुकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, शिक्षक शिक्षा मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना। देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, विच सेक्शन ऑफ एनसीटी एक्ट डील्स विद द पावर टू मेक रूल्स, एनसीटीई एक्ट के अधिनियम के किस उसमें बोला गया है, किस सेक्शन किस धारा में कहा गया है कि इसको रूल बनाने की आजादी है, वो रूल बना सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 31 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 21 में ये बात कही गई है कि वो उसके पास रूल बना के नियम बनाने की शक्ति है, वो चाहे तो रीजनल सेंटर को खत्म भी कर सकता है, उसके पास ये भी पावर है, ठीक है, ये 21 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, द एनसीटी एक्ट प्रमोट कोलेबरेशन बिटवीन टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड, एनसीटी अधिनियम जो है उसमें कहा गया है कि शिक्षक शिक्षक संस्थानों और किसके बीच, जो टीचर्स इंस्टीट्यूशन है जहाँ टीचर्स एजुकेशन चलाया जाता है, ठीक है, और किस इंस्टीट्यूशन के बीच, किसके बीच क्या होता है कोलेबरेशन को ये बढ़ावा दे रहा है, कॉरपोरेट एंटाइटीज, कॉरपोरेट संस्थाएं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस, ठीक है, गैर सरकारी दल संगठन इन्हें कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है आजकल अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, हंस फाउंडेशन है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनका काम ही होता है टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, टीचर्स की हेल्प करना बहुत सारी चीजों में, है ना। अब जब स्कूल पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट में ज्यादा होता है ये चीजें, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी एक ऐसा ही है जो बच्चों को भी बीच बीच में देता है लेकिन टीचर्स को भी ये क्या करता है, प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। तो एनसीटी का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा एनजीओ के बीच और जो हमारे गवर्नमेंट या फिर टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनके बीच क्या है, कोलेबरेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी एज पर एनसीटी एक्ट, एनसीटी एक्ट के अनुसार जो कार्यकारी समिति होती है इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुख्य कार्य क्या है, कंडक्टिंग इंस्पेक्शन निरीक्षण करना, डेवलपिंग करिकुलम पाठ्यक्रम का विकास करना, या सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन, ठीक है, ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना, या मैनेजिंग रीजनल कमेटी, जो क्षेत्रीय कमेटी है उनका प्रबंधन करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जो एनसीटी की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इसका काम ही होता है जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो नियम बनाने वाली कमेटी होती है, यही शिक्षा के न्यूनतम मानक को निर्धारित करता है एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे, व्हेन टीचर्स एजुकेशन काउंसिल बिकम अ स्टेचुअरी बॉडी, एनसीटीई वाज देन द हु इज द क्या चेयरमैन ऑफ एनसीटी,
जब एनसीटी एक स्टेचुअरी बॉडी बनी, मतलब 17 अगस्त 1995 को जब स्टेचुअरी बॉडी बनी, तो उस टाइम पे चेयरपर्सन कौन थे, तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जब एनसीटी 17 अगस्त 1995 को ये लागू हुआ था, उस समय एनसीटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत। ठीक है, डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। द एनसीटी एक्ट एंश्योर दैट टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम फोकस ऑन। एनसीटी अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम किस पर केंद्रित हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स ओनली, ऐतिहासिक घटनाओं पर हो, कल्चरल हेरिटेज ओनली, केवल सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हो, या पेडागोजिकल एस्पेक्ट एंड टीचर्स मेथोडोलॉजी, शैक्षिक पहलू जो होते हैं टीचर्स से और शिक्षण पद्धतियों पर, या फिर रिलीजियस टीचिंग ओनली, केवल धार्मिक शिक्षाओं पर। जैसा कि आपको पता है, टीचर जो टीचर्स एजुकेशन है या जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं टीचर एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए करे जाते हैं ना। टीचर्स को ट्रेन इसीलिए किया जाता है ताकि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और मतलब ऐसी हो कि मतलब बच्चे को भावी जीवन के लिए हम तैयार कर सके। तो उसके लिए जो एनसीटीई में जो टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें जो हम फोकस होता है वो होता है पेडागोजिकल एस्पेक्ट एंड टीचिंग मेथडोलॉजी पर, शैक्षिक पहलुओं और जो शिक्षण पद्धति है ठीक है उन पर केंद्रित किया जाता है। पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स और जो टीचिंग मेथडोलॉजी, इन पर बेस्ड रहते हैं टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 36। विच सेक्शन ऑफ एनसीटी एक्ट डील्स विद परमिशन फॉर न्यू कोर्सेज और ट्रेनिंग बाय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। ये कहता है एनसीटी की वो कौन सी धारा है, वो कौन सा सेक्शन है जिसमें जो हमारे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, जो मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है, तो यहाँ जो न्यू कोर्स या न्यू ट्रेनिंग आप न्यू कोर्स प्रोवाइड कराते हैं ठीक है, उसके लिए आपने परमिशन लेनी है ठीक है एनसीटीई से। वो किस धारा में कहा गया है कि वो परमिशन ले सकता है ठीक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 15 में ये कहा गया है कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ठीक है, उसमें परमिशन ले रहा है न्यू कोर्सेज की ट्रेनिंग की, तो ये सेक्शन 15 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 37। द एनसीटी एक्ट एनकरेज टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू। एनसीटीई अधिनियम शिक्षक शिक्षा संस्थानों को किस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है? ऑफर स्पेशलाइज्ड कोर्स विदाउट एक्रेडिटेशन, बिना मान्यता के ठीक है, मान्यता के बिना ही विशेष पाठ्यक्रम पर प्रदर्शित कर देना, मान्यता ली नहीं है और मतलब पाठ्यक्रम ले आया, बीएड डीएलएड जो भी होते हैं ठीक है, या फिर प्रमोट नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स ओनली, केवल गैर पारंपरिक शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, इनहेंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स हैं शिक्षक हैं उनके जो प्रोफेशनल प्रोफेशन के लिए जो भी अच्छी चीज है उनमें सुधार करना, उनका डेवलपमेंट करना, या फिर डिस रिगार्ड एथिकल स्टैंडर्ड इन टीचिंग, शिक्षण में जो नैतिक मानक है उनकी अनदेखी करना। तो किसको प्रोत्साहित करता है? इसका तो काम ही है कि टीचर्स की क्वालिटी को सुनिश्चित करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है एनहेंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के पेशेवर विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पे है। व्हाट रोल डज द एनसीटीई प्ले इन टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस? जब शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं होते हैं उसमें एनसीटीई की क्या भूमिका है? जैसे एलटी बने, लेक्चरर बने, प्राइमरी टीचर्स बने, तो एनसीटीई का इसमें क्या रोल है? कंडक्टिंग ऑल टीचर्स रिक्रूटमेंट सेंट्रली, ये क्या सारी भर्तियों के केंद्रीकृत करता है, या फिर सेटिंग गाइडलाइंस एंड टीचर्स रिक्रूटमेंट, जो टीचर शिक्षक भर्ती है उसके लिए दिशा निर्देश, क्या नियम होने चाहिए, प्राइमरी के लिए कौन सा टीचर होना चाहिए, ये, या माध्यमिक एलटी टीचर है तो वो माध्यमिक विद्यालयों के लिए कौन से एसीटेट होना चाहिए, ये होना चाहिए ठीक है, यूटेट होना चाहिए फर्स्ट सेकंड ठीक है। बैनिंग टीचर्स रिक्रूटमेंट, शिक्षक भर्ती पर प्रतिबंध लगाना, या इन्फ्लुएंसिंग टीचर्स ट्रांसफर ओनली, जो शिक्षण स्थानांतरण है उसी को प्रभावित करना। तो आपको पता है एनसीटीई की जो भूमिका होती है टीचर्स रिक्रूटमेंट में, वो ये होती है कि ये एनसीटीई निर्धारित करता है कि अगर प्राइमरी टीचर्स बनना है तो डीएलएड कोर्स अनिवार्य है। बीच में आपने पढ़ा होगा एनसीटीई ने एनआईयूएस डीएलएड वालों को भी मान्यता दे दी है, तो यही वो एनसीटीई है जो निर्धारित करेगा कि प्राइमरी लेवल में टीचर बनना है तो केवल एनसीटीई, केवल डीएलएड होना चाहिए। अगर आपको माध्यमिक का टीचर बनना है तो उसके लिए
सीटेट सेकंड होना चाहिए, यूटेट सेकंड होना चाहिए, जो भी है रूल, और इसके लिए एलटी टीचर है, तो ये सारे किसने डिसाइड किया, बीएड होना उनके लिए जरूरी है, तो ये सब एनसीटीई डिसाइड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, सेटिंग गाइडलाइंस फॉर टीचर्स रिक्रूटमेंट या शिक्षक भर्ती के लिए जो दिशा निर्देश है वो एनसीटीई प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द एनसीटीई एक्ट प्रमोट्स, ठीक है, एनसीटीई अधिनियम किस भाषा को बढ़ावा देता है? मोनोलिंगुअल एजुकेशन, एक एकल भाषा शिक्षा, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुभाषी शिक्षा, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा की एक सीमित पहुंच, या फिर कास्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम मींस जाति आधारित शिक्षण प्रणाली। जैसा कि आपको पता है इंडिया में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं और एनसीटीई का रूल सभी जगह लागू होते हैं इंडिया में, तो ये भी मल्टी लिंगुअल एजुकेशन बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच सेक्शन ऑफ एनसीटी एक्ट डील्स विद द पावर टू टर्मिनेट द रीजनल कमिटी। इन ये मैंने अभी पहले पढ़ाया भी है कि किस धारा में, ठीक है, एनसीटी एक्ट की किस धारा में ये कहा गया है कि रीजनल कमेटी को समय आने पर क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है जो रीजनल कमेटीज की है। तो सेक्शन 21, सेक्शन 23, सेक्शन 29 या सेक्शन 35। करेक्ट ऑप्शन है इसका, करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 21 में ये कहा गया है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। तो ये इसमें कहता है कि जो एनसीटी एक्ट है ये कहता है कि एनसीटी द्वारा कोई भी रीजनल कमेटी जो है, रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है, उसमें जो रीजनल कमेटी बनाई है उनको आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। आप मुझे अब बताएंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाया हुआ था, ठीक है, एनसीटी मैंने पढ़ाया था, आपने कितना अच्छे से उससे पढ़ा यहाँ पता चल जाएगा। अगर इसके 40 में से 40 आ रहे तो उसका मतलब उसने एक एक लाइन मेरी अच्छे से पढ़ी है। तो मैं डेली ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, जो लेक्चर्स में पढ़ा रही हूँ उसकी भी वीडियो, और ये वो वीडियो है बच्चों 40 क्वेश्चन, जो इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीटी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए। और आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।